एवरीबडी, वेलकम बैक टू खान्स किचन विद जी। आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे। आज बहुत ही ब्यूटीफुल क्लाउडी वेदर है एंड इट्स ड्रिजलिंग। बहुत लंबे टाइम से बारिश हो रही है, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना बनाया जाए एक पकौड़ा प्लैटर। तो आइए चलते हैं अंदर और करते हैं तैयारी। एक ही बैटर से बनाएंगे हम 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पकौड़ाज। ये रेसिपी डेफिनेटली क्राउड प्लीजर है। अगर आप किसी भी पार्टी में बनाएंगे तो डेफिनेटली इट वुड बी अ बिग हिट। बहुत ही जल्दी और क्विक बन जाती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने का प्रोसेस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वेलकम, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। यहाँ पर मेरे पास कुछ मसाले हैं जो मैं बेसन के लिए यूज करूंगी, और वेजिटेबल्स में मैंने लिया है मिर्ची, बेल पेपर, पत्ता गोभी, आलू, प्याज, फूल गोभी, और यहाँ पर मेरे पास है कुछ पनीर, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिया है जो कि है करी लीव्स। मैं आपको बताती रहूंगी कि क्या करना है हमें। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाने का प्रोसेस। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है 2 कप ऑफ छना हुआ बेसन। छना हुआ लेने से क्या होता है कि जब हम इसको विस्क करेंगे तो इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेगी। इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबलस्पून ऑफ राइस फ्लावर, 1 चला गया एंड 1 मोर। साथ ही यहाँ पर मेरे पास कुछ चीजें हैं वो चली जाएंगी। यहाँ पर 2 कटी हुई हरी मिर्च है मेरे पास, 1 टीस्पून ऑफ जीरा, 1 टीस्पून ऑफ अजवाइन, 1/4 टीस्पून ऑफ हींग, 1/4 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर, नमक टू टेस्ट, 1 टीस्पून ऑफ क्रश्ड गार्लिक, 1 टीस्पून ऑफ क्रश्ड जिंजर, 1 टीस्पून ऑफ चिली फ्लेक्स एंड 1 टीस्पून ऑफ चिली पाउडर। चिलीज की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। ये सब चला गया इसमें। अब हम दे देंगे इसे एक अच्छा सा मिक्स। अब हमें इसका एक घोल बनाना है। बैटर थिक कंसिस्टेंसी का बनाना है, तो ग्रेजुअली आप पानी ऐड करते रहेंगे और हिलाते रहेंगे। साइड्स को एक बार अच्छे से स्क्रेप कर लेंगे सो दैट देयर इज नो ड्राई फ्लावर। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑलमोस्ट ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, और ये जब आप स्पून पे इसको लें तो आप ये स्पून को कोट कर लेना चाहिए। आप एक आलू के पीस से भी इसको चेक कर सकते हैं कि आलू का पीस इसमें डिप करके आपने देखा, और अगर वो आलू के पीस को कोट कर लेता है तो फिर इट्स रेडी। और इसमें मैंने ऑलमोस्ट 1.5 कप पानी यूज कर लिया। अब इसमें एक लास्ट चीज चली जाएगी जो यहाँ पर मेरे पास है, 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। गिव इट अ गुड मिक्स और चलते हैं फ्राइंग के प्रोसेस पे। फ्राइंग करने से पहले यहाँ पर पनीर में हम हमारे कुछ मसाले डाल देंगे, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1 pinch of red chili powder, 1/8 teaspoon ऑफ हल्दी पाउडर, 1/4 teaspoon ऑफ चाट मसाला, 1 pinch of garam masala, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल, जस्ट लाइक 1/4 teaspoon। इसको दे देंगे हम एक अच्छा सा मिक्स, इतना कि ये पनीर के पीसेस अच्छे से कोट हो जाए। इससे क्या होगा कि जब आप पनीर को फ्राई करेंगे तो वो फीका फीका सा नहीं लगेगा। ऑलराइट, ये पनीर के पीस अच्छे से कोट हो गए। फ्राइंग से पहले दूसरा प्रोसेस आपको ये करना है कि आलुओं को आपको पानी से निकालकर पेपर टॉवल पे लाइन कर लेना है, क्योंकि अगर ये गीले होंगे तो फिर ये अच्छे से कोट नहीं होंगे। आलू आप जितना थिन काटें उतने अच्छे आपके, और जल्दी आलू गल जाएंगे। आइए चलते हैं फ्राइंग की तरफ। ऑलराइट फ्रेंड्स, तेल मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था, और इस तेल में से मैं 1 चम्मच जितना तेल निकालकर मेरा ये जो बैटर है इसमें डाल दूंगी। इससे हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्प और अच्छे बनेंगे। बैटर को मैं एक अच्छा सा मिक्स दे रही हूँ। बैटर को मैं एक छोटे बोल में निकाल लूंगी सो दैट इट्स इजी टू हैंडल। पहले तेल डाल में बेसन डाल के देख लेते हैं। आपने देखा कि वो कैसे ऊपर आ गया है। सबसे पहले हम फ्राई कर लेंगे मिर्ची के पकोड़े। तो ये मिर्ची मैंने ले ली है, इसको मैं ऐसे एक एक को डिप करती रहूंगी और बेसन में डालती रहूंगी। ठीक है, मेरी फ्लेम मीडियम पे है। तेल अगर ज्यादा गर्म हो गया है तो फ्लेम को आप लो भी कर सकते हैं। अब हमें इनको फ्राई करना है जब तक कि ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए, गोल्डन ना हो जाए। फ्लेम मेरी अभी भी मीडियम पे है। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये मिर्ची के पकोड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। इनको मैं अब निकाल लूंगी एक किचन टॉवल लाइंड प्लेट में। ये देखिए कलर, ठीक है, यहाँ आ गए सारे। अब हम फ्राई कर लेते हैं हमारी बेल पेपर। बेल पेपर को मैंने ऐसे लंबा लंबा काटा है, और ये आपने उठाई बेल पेपर और ये डाली। बेल पेपर को किया कोट और ये गया अंदर। बेल पेपर के पकोड़े बहुत ही मजे के लगते हैं, स्पेशली बच्चों को, क्योंकि बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होते और एक अच्छा सा फ्लेवर देते हैं। फ्लेम को मैं कर रही हूँ मीडियम हाई पे,
और इनको भी हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि अच्छे से गोल्डन ना हो जाए। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये शिमला मिर्च के जो पकौड़े थे बेल पेपर के, ये भी कुक हो चुके हैं। इनको भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देख लीजिए आप कलर। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब हम तीसरा जो हम तल रहे हैं वो है हमारे आलू के पकौड़े। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आलूओं को मैंने टिश्यू पेपर पे सुखा दिया था, अब ये एकदम ड्राई है तो ये इजीली कोट हो जाएंगे। आपको ऐसे डिप करना है, उठाना है और डालते रहना। फ्लेम को मैं कर रही हूँ मीडियम हाई और अब इनको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ना हो जाए। ऑलराइट फ्रेंड्स, हमारे आलू के पकौड़े भी अच्छे से बन चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे से फूले हैं और बहुत ही प्यारा कलर आया है। इनको भी मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और अब हम डाल देंगे हमारे पनीर के पकौड़े। तो ये मैंने लिया जो हमने मसाला डाला हुआ था पनीर को, मैंने इसको ऐसे बेसन में कोट किया, ठीक है, उठाया, एक्सेस रिमूव किया एंड देन वेरी जेंटल। आप पनीर को कोई भी शेप में काट सकते हैं, इट्स एंटायरली अप टू यू। अब इनको मैं हाई फ्लेम पे फ्राई करूंगी, तो फ्लेम को मैंने कर दिया है हाई। ओके फ्रेंड्स, ये पनीर के पकौड़े भी बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। ये देखिए आप कलर, इनको भी निकाल लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट अब हम डालेंगे वो है प्याज के पकौड़े। तो प्याज को मैंने ऐसे छल्लों में काट लिया है, आप चाहें जैसे शेप में काट सकते हैं। इनको भी मैं ऐसे डिप करूंगी, एक्सेस रिमूव करूंगी और ये गया अंदर। तो इनको भी हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। ऑलराइट फ्रेंड्स, हमारे प्याज के पकौड़े भी अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ इनकी शक्ल, ये देखिए, और लग रहे हैं ना अनियन रिंग्स की तरह। तो आइए इन्हें भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ऑलराइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम डाल देते हैं गोभी के पकौड़े। तो गोभी के लिए मैंने फ्लोरेट्स इस साइज की काटी है और इनको हम मीडियम या मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो इसके लिए भी हम इसको बैटर में डालेंगे, इसको बैटर से कवर करेंगे, उठाएंगे, मेरी फ्लेम अभी लो पे है, और ड्रॉप कर देंगे। आप चाहें तो गोभी को भी मसाला लगा के पनीर की तरह फ्राई कर सकते हैं। इनको भी हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ऑलराइट फ्रेंड्स, गोभी के पकौड़े भी हो गए हैं तैयार, लग रहे हैं बहुत ही डिलीशियस। इनको भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब जो लास्ट हमारे पास पकौड़े हैं वो है पत्ता गोभी के। तो उसके लिए ये बैटर हमारा बचा हुआ है, इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबल स्पून ऑफ करी लीव्स। और यहाँ पर मेरे पास है पत्ता गोभी कटी हुई, ये मैं डाल दूंगी हैंडफुल इसमें। और इसमें हम डाल देंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च, इसको दे देंगे हम एक अच्छा सा मिक्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसको दे दिया है मैंने एक अच्छा सा मिक्स और आइए चलते हैं कर लेते हैं इसकी फ्राई। इसको आपको ऐसे हाथ से उठाना है और छोटे छोटे डम्पलिंग्स बनाते हुए ऐसे ड्रॉप करने हैं, ठीक है। ये अच्छे मजेदार कुरकुरे बनेंगे बहुत ही। और जो हमने करी लीव्स डाली है उसका टेस्ट बहुत ही मजे का आता है। आप कभी ट्राई करिएगा कि करी लीव्स के खाली अकेले के पकौड़े बना के देखिएगा, बहुत ही मजे के बनते हैं। और इनको हम फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। ऑलराइट फ्रेंड्स, हमारे जो पत्ता गोभी के पकौड़े थे उन पर भी आ गया है बहुत ही अच्छा कलर। मैं आपको बताना भूल गई थी कि आपको इनको हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है, तभी ये क्रिस्पी होंगे। और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये तैयार है हमारे बहुत ही डिलीशियस और 7 different kinds ऑफ वेजिटेबल पकौड़ा। यहाँ पर हमारे पास है बेल पेपर के पकौड़े, ये है मिर्ची के पकौड़े, यहाँ पर एक लाइन मैंने दी है आलू के पकौड़ों की, ये है प्याज के पकौड़े, फिर से आलू के पकौड़े, ये है पनीर के पकौड़े, फूल गोभी के पकौड़े और पत्ता गोभी के पकौड़े। इनको सर्व करने से पहले आप धनिया पत्ती से गार्निश करें और साथ में स्प्रिंकल कर दें थोड़ा सा चाट मसाला और सर्व करें इन्हें बहुत ही यम पुदीने और धनिए की चटनी के साथ। तो खाइए, मजे करिए, एंजॉय करिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय। वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, इससे आपको मेरी वीडियोस देखने को मिलेगी सबसे पहले, वो भी फ्री।